नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मेरा नाम है बंटी प्रजापत और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट रिंच के बारे में। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट रिंच है अपना। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से अपने ड्रिल मशीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑनलाइन मंगाया था मैंने, लगभग 5-6 महीने हो गए और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ये इनिगो कंपनी का, मुझे 8000 कुछ का पड़ा था ये। ठीक है, तो अभी हम बनाने वाले हैं कि इससे अगर आपका ड्रिल का कुछ छोटा मोटा काम पड़ जाए तो आप किस तरह से इसको ड्रिल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं ओनली फॉर मात्र 200 रुपये के अंदर। ठीक है, तो आप मैं लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कंप्लीट, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा जिससे कि आपका यह ड्रिल बन जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास इनिगो का इम्पैक्ट गन है। ठीक है, अगर आपके पास कोई सा भी गन हो वो सब चलेगा, अगर आपका एयर है तो भी चलेगा, वैसे सॉकेट लगना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का, मुझे लगभग 6 महीने हो गए इसको यूज़ करते हुए, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसका, सारे बोल्ट बाइक के सारे बोल्ट खोल देता है ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझे, तो इनिगो कंपनी का दोस्तों ये ड्रिल चक है, जिसको हम ड्रिल चक के नाम से बोलते हैं, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से। और यहाँ पर देखिए एक बोल्ट लगता है, जिसको आप ग्लेंडर में भी लगा सकते हैं, मगर ग्लेंडर के लिए अलग बोल्ट आएगा दोस्तों। ये मुझे ग्लेंडर पे नहीं लग पाया था, इसीलिए मैं ड्रिल में इसमें इम्पैक्ट में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ नंबर वगैरह लिखे हैं इसके अंदर। ठीक है, किस साइज़ का है ये। ओके, ये इसका चाबी है जिससे हम जो भी बिट लगाएंगे उसको टाइट करेंगे। और दोस्तों ये बोल्ट आपको इस साथ मिलता है, इसके साथ मैंने 17 नंबर का गोटी इसके अंदर वेल्ड किया है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ऊपर का जो साइज़ है 17 नंबर का था, इसलिए आप गोटी दूसरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से कुछ इसमें वेल्डिंग कर लिया, 17 mm का जो गोटी आता अपना वो मैंने इसके ऊपर लगा लिया। ठीक है, ये बोल्ट मुझे इसके साथ में मिल गया था और ये जो बोल्ट है इसके अंदर टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आपको इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अंदर एक स्क्रू और लगेगा, ठीक है, वो भी मैं दिखाऊँगा आगे। इस तरह से टाइट कर लिया, उसके बाद इसको आपको लूज करना है। ठीक है, तो चाबी से इसको लूज कर लेना पूरा, तो ये जो स्क्रू होता है इसे अंदर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जिससे क्या है कि पूरा अच्छी तरह से पकड़ कर ले, और ये जो स्क्रू है उल्टा कसा जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने कस दिया प्रॉपर पूरा टाइट, उससे क्या है खुलने का कोई डर नहीं रहेगा आपका, पूरा फिक्स हो गया है। ठीक है, ये मैंने कस दिया, उसके बाद हम बिट लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम घुमा लेंगे। ठीक है, तो आप इसमें 13 mm तक का बोल्ट इसमें बिट लगा सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सुविधा दोस्तों, अगर आपके पास ड्रिल नहीं है तो आप छोटा मोटा काम इससे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लगा दिया बिट इसके अंदर। तो एक्चुअली क्या है कि बिट थोड़ा पुराना ही है मेरे पास, कहीं मैंने इसे मांग के अरेंज किया था। ओके, तो अभी इसको चाबी को टाइट कर लेते हैं और कुछ सैंपल दिखाते हैं कि वर्क करता है या नहीं करता। ठीक है, ये मैंने टाइट कर लिया पूरा। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो ये मुझे मिला था दोस्तों 230 रुपये का मुझे ये मिल गया था, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और ये इस तरह से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये देखिए आपका बन गया ड्रिल बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, अक्सर दो छोटे मोटे काम पड़ते रहते हैं बाइक शॉप के अंदर, तो इसीलिए मैंने ये मंगाया है। ठीक है, अभी इसको लकड़ी के ऊपर चला के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, लकड़ी है इसीलिए धुआं निकल रहा है, क्योंकि लकड़ी के लिए अलग बिट आता है थोड़ा। ये देखिए पूरा आर पार हो गया छेद इसके अंदर, तो ये मैंने प्लाई के ऊपर छेद किया था और ये आर पार हो गया। ठीक है, आपके सामने है दोस्तों, लाइव है। ठीक है, तो थोड़ा सा और ये हो गया, देखिए। अब एक दो सैंपल और लेते हैं, इसको हम ईंट के ऊपर चलाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर छेद होता है या नहीं होता। ठीक है, तो अभी देखिए ईंट के ऊपर मैं कर रहा हूँ छेद, तो ईंट के ऊपर भी आराम से हो रहा है। ठीक है, थोड़ा ये बिट पुराना दोस्तों, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाकी आराम से ईजी वे में आपका एक छोटा मोटा काम कर देगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोहे के ऊपर छेद पाना चाहोगे उसके लिए भी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको बिट नया चाहिए होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 200-250 रुपये में आपका ये 200 काम हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये छेद हो गया है पूरी तरह से। ओके, अभी हम दीवार में छेद करके और दिखाएंगे आपको, अगर आपको कुछ गिट्टी वगैरह ठोकनी हो। ठीक है, कितने अच्छे से वर्क करा दीवार के ऊपर, ये हो गया देखिए, पूरा छेद हो गया कुछ सेकंड के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका इम्पैक्ट रिंच है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। 230 रुपये के अंदर आप अपनी इसको इम्पैक्ट रिंच को ड्रिल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी आप सभी दोस्तों के लिए, आशा करता दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।